साथियों नमस्कार। अनंत वक्ता और ग्राम में सत्ता ग्रामीण धुरंधर सीरीज के एक नए एपिसोड में आज हम बात करेंगे चंद्रशेखर शुक्ला जी से। एक इंटीग्रेटेड फार्मर हैं, इन्होंने अपनी फार्मिंग तकनीक से समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश किया है। हम बात कर रहे हैं अमेठी जिले के बाजार शुक्ल विकास खंड के मड़वा गाँव से, बात कर रहे हैं चंद्रशेखर शुक्ला जी से। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती किया है तो उस खेती के क्या चैलेंजेज हैं, उसके क्या लाभ हैं, उससे आपका क्या फ़ायदा हो सकता है, यानी इन सारी बातों का जिक्र हम इस वीडियो में करने वाले हैं। हमारे साथ इस जर्नी में कामता सिंह चौहान जी भी हैं, इनके साथ हम आए हैं। हम लोग दिल्ली से आए हैं लेकिन यहाँ चेक करना है, इसलिए अमेठी के दूसरे छोर से यहाँ चल के आए इस किसान से मिलने के लिए। स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका शुक्ला जी। चंद्रशेखर जी जी, जवान हैं आप, खेती क्यों, क्या इसके पहले यहाँ के बाहर रहे हैं आप, नौकरी में या और कहीं? हमेशा गांव में रहे। गांव में रहे हैं आप। ड्रैगन फ्रूट की खेती करना कैसे समझ में आया, क्यों ये दिमाग में आई बात? बहुत दिन पहले मैं सोच रहा था कि कोई खेती की जाए जी। कई बार बहुत खेती देखने गए, बहुत तरीके की, कुछ समझ में नहीं आए। पिछले साल मुझे उसमें 2023 फरवरी जी में मुझे पता चला कि एक खेती ड्रैगन फ्रूट की है, तो हमने सोचा उसे देखा जाए। तो हमारे यहाँ बाराबंकी ज़िले के क्या प्रसाद किसान जो है मौर्या जी, वो इसकी खेती किए, मैं उनके यहाँ गया जी। देखा वहाँ पे जाके, मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी खेती देख के जी। तब से मुझे जो है बिल्कुल लग गया उसी पर कि मुझे खेती करना है। तो अच्छा, उनकी खेती देख के ही लग गया कि आपको करना है? हाँ, इसका घाटा मुनाफा बिना समझे। हाँ, वो बताया कि आपको जो है कुछ काम अगर कर लोगे तो आपका जितना पैसा लग रहा है इसमें उसमें से आपका पूरा पैसा निकल आएगा, अगर आपको फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। तो दो साल बाद तो अच्छा, दो साल बाद ही जी। तो ड्रैगन फ्रूट की खेती अभी आपने किया है जी, और ये पौधे आपके कितने दिन पुराने हैं? ये तो अभी 6 महीने पुराने हैं। 6 महीने हो गए जी। क्या मियाद होती है, कितने समय में ये पौधा फल देने लगता है? 18 महीने में से फल देता है। 18 महीना लगता है इसमें। कैसे लगाते हैं, लगाने की विधियाँ क्या है? सबसे पहले पोल एक बनाते हैं जी। अब पोल लगने के बाद ये इधर पहले पोल बनाए, पोल लगने के बाद पोल के चारों साइड में हम पौधे लगाते हैं जी। उस खम्भे के सहारे से चारों तरफ से पौधे ऊपर चढ़ेंगे और उसके बाद उस पर रिंग लगाएंगे टायर की या सीमेंटेड रिंग लगाएंगे, तो वहाँ से वो विकास करेंगे पौधे अपने। अच्छा, दोनों तरफ फैल जाते फैल जाएंगे, फिर उनमें फ्रूट लगते हैं। उसमें भी फ्रूट लगेंगे, मई से फूल लेना शुरू करेगा, जून में फ्रूट लग जाएंगे। अच्छा, तो क्या इसमें टेम्परेचर भी मायने रखता है जी? पौधों में टेम्परेचर अगर 40 और 10 से नीचे ना जाए, नीचे 10 से नीचे ना जाए और 40 से ऊपर ना जाए तब बहुत अच्छा है इसके लिए। तो जहाँ हम बात कर रहे हैं अमेठी ज़िले में जी, यहाँ तो कभी कभी टेम्परेचर 10 से नीचे भी जाता है और 40 से ऊपर भी जाता है। हाँ, चला जाता है, तो उसके लिए भी दवा का जो है प्रयोग करना पड़ेगा। अच्छा, दवा कंट्रोल कर जी लेती है इन चीज़ों? दवा कंट्रोल कर लेती है। दवा कौन सी, दवा कौन सी यूज करते हैं? दवा तो अभी वो जो है नई मंगाए हैं, शुरुआत किए हैं। अच्छा, इससे जो मौर्या जी के यहाँ से आप पौधा ये ले आए हैं जी, तो इन पौधों को जब आपने लगा दिया यहाँ, लगाने के बाद क्या उनका कोई टेक्निकल सपोर्ट मिलता है? हाँ, दिए थे, दवा के बारे में बताए थे कुछ, कैसे लगाना है, कैसे करना है, कुछ सुझाव दिए थे अपने, पूरा तो नहीं दिए, पूरा तो अपने को ढूंढना पड़ा है। अच्छा, इन पौधों को खरीदना पड़ता है जी? क्या इन पौधों से कलम करके भी लगाए जा सकते हैं पौधे? 3 साल बाद जब फ्रूट देने लगे तब। अच्छा, फ्रूट जब देने लगे तब कलम की जा सकती है? जैसे हम लगाए हैं तो 3 साल बाद इसमें जब फ्रूट आएगी जी, तब उसमें से कलम होगी, तब पौधे बनेंगे, इसके पहले नहीं। और ये पौधे एक बार लग जाने के बाद फल कितने टाइम तक देते हैं? 20 से 25 साल तक। 20 से 25 साल तक इन पौधों की उम्र होती है जी। बड़ी, अब इसके बाद
नया सवाल है, हमारे दर्शक भी उसे जानना चाहेंगे, चैलेंजेज क्या आते हैं लगाने में? अब तक जो आपने 6 महीने में फेस किया है क्या है? कोई विशेष चैलेंज नहीं है, कोई समस्या नहीं है, सिर्फ मौसम जब बदलाव करता है, गर्मी से ठंडी और ठंडी से गर्मी जब आती है जी, तब इसमें जो है कुछ दिक्कतें आती हैं। आपने 1 एकड़ में लगाया है इसे? लगभग लगभग 1 एकड़ में कितने पौधे लगाए हैं? 1900 पौधे हैं, 2000 लग जाते तो 1 एकड़ हो जाता। अच्छा, 1 एकड़ में 2000। क्या दूरियां होती हैं एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में, ये कुछ मानक तो होंगे? हाँ, लाइन से लाइन की दूरी 10 फीट है और पौधे से पौधे वो लाइन की दूरी 7 फीट। अच्छा, 7x10 की जगह चाहिए? जी, 7x10। और ये पिलर जो बीच में आपने सपोर्ट के लिए रखा है, 7 फीट का पिलर होना चाहिए, 2 फीट जमीन में, 5 फीट ऊपर। तो जरूरी है पिलर ये सीमेंटेड ही हो? सीमेंटेड, हाँ, पिलर जरूरी है। अच्छा, ये भारी होता है पौधा? पौधा अब इस वजन लगभग 3 साल में 1 क्विंटल यहाँ वजन हो जाएगा। अच्छा, इस पौधे में 1 क्विंटल झेलने की क्षमता होती नहीं? ये तो नाकफनी जैसा है पौधा है। इसके ऊपर भार आ जाएगा 1 क्विंटल का, पूरे पत्तियां मिला करके पूरा पौधा, तब ये फल भी तो आएगा। वो भी तो एक पौधा कितना फल देता है एक साल में तकरीबन, अगर वो अपनी युवा अवस्था में हो? सर जी, एक पौधा नहीं, पूरा एक पोल की बात होती है। एक पोल जी, एक पोल से कितने फल निकलेंगे? हाँ, वही तो पहले साल बताया कि 5-6 किलो एक जब शुरुआत करेगा, 5-6 किलो 7 किलो तक जाएगा शुरुआत में। और तीसरे साल जब होगा, जैसे हमारा जब निकलेगा पिछली बार जी, तो उसके बाद जो तीसरा साल आएगा तब 20 किलो तक के आसपास पहुंच जाएगा एक पोल से। एक पोल से 20 किलो फल। अच्छा, एक बार में, एक साल में आम की तरह एक बार ही फसल इसमें होगी? जी, जैसे एक बार कोई फसल है तो 1 महीने में ख़त्म हो गई, आम 2 महीने में ख़त्म हो गया जी। लेकिन ये जून से स्टार्ट करेगा, बहुत दिन तक चलेगा, दिसंबर तक जाएगा। अच्छा, इसमें निकलते रहेंगे, निकलते फिर तोड़ेंगे रहेंगे। दूसरा निकल जाएगा, एक हर हफ्ते में राउंड चलता रहेगा फल तोड़ने वाला हर हफ्ते। अच्छा, इसमें फिर जब यहाँ से तैयार होता है, फ्रूट निकलता है, वह फ्रूट पक के खाने लायक कितने टाइम में होता है उस जगह पे? 40 दिन में, जहाँ से फूल आज निकला है उसके 40 दिन बाद उसे आप 40 दिन बाद वहाँ पे वो तैयार हो जाएगा। अच्छा, जैसे कार्बाइट वाइट में डाल के पकाते हैं आमों नहीं, को ऐसे व्यवस्था नहीं होती, ये डायरेक्ट फल उसी में पकता है। यहाँ से तोड़ेंगे आप, यहाँ से तोड़ेंगे सेल करेंगे, और आज तोड़ेंगे तो ये 15 दिन तक खराब नहीं होता है। अच्छा, 15 दिन तक खराब नहीं होता, धूप छोड़कर ठंडे स्थान पर कहीं भी रखेंगे 15 दिन तक ये फल खराब नहीं होगा। तो एक बात और बताते चलिए कि इसकी मार्केट क्या है, इसको आप सेल कहाँ करेंगे? बना तो लिया है आपके पास, कुंतल कई कुंतलों में आएंगे, तो इसकी बाजार कहाँ से तलाश? अभी तो बाजार लखनऊ में है, प्रॉपर बेचेंगे किसान आके ले भी जाते हैं आपके यहाँ से ऐसा कुछ? हाँ, अगर कोई ले जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मंडी तो वहीं पे है सिर्फ लखनऊ में। अच्छा, मंडी तक पहुँचाना होगा? पहुँचाना होगा मंडी तक। अच्छा, ये एक जुनून ही है जिसे आप पाल के रखे हैं, वरना 18 महीने 2 साल तक फसल लेने की आस में। इसके पैरलर और कुछ खेत तो और हैं आपके पास? हाँ, बहुत खेत है। उसमें इसके पैरलर और कुछ लगाने की सोच यही है सर, ये जब ये तैयार हो जाएगा 1 साल बाद तो पूरे खेत में लगेगा ये। या पूरे खेत में लगा देंगे, तो बीज का ये जो 10 फीट गैप होता है, इसमें कितने दिनों तक खेती किसान कर सकता है? पूरे हमेशा, लाइफ टाइम। तो आप कह रहे लटक भी जाता है इधर उधर पौधा? लटक जाता है तो जुताई में थोड़ा दिक्कत होगी ना, बस ये तो छाँव नहीं करेगा? इतना छाँव नहीं होगा। अच्छा, धूप लगेगी। अच्छा, इस पे बेल वाली फसल भी लाई जा सकती है? जो फसल नीचे रहे वही वही हो सकती है। इसके पहले और कुछ इंटीग्रेटेड फार्मिंग आपने किया है? इसके पहले कुछ नहीं किया, गेहूँ धान सिर्फ गेहूँ धान। बहुत अच्छी बात। काम हमारे भाई कामता जी भी साथ में हैं। कामता जी, हम लोग प्रभावित होकर 60-65 किलोमीटर चल के आए हैं शुक्ला जी से, ये पता कर रहे हैं कि किस तरीके से खेती कर रहे हैं। आपके भी तो मन में इसको लेके कुछ सवाल होंगे, भाई साहब से पूछिए। नहीं, मेरे मन में यह है कि मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि अपने
इन्होंने अपने विचार जो लोग कर रहे हैं वो तो सब कोई करता है, लेकिन इन्होंने ऐसा विचार लाया कि क्यों ना जो फॉरेनर कंट्रियों में ये फल लोग खाते हैं क्यों ना हम अपने भारत देश को खिलाया जाए ये फल। बिल्कुल। तो मैं इनके मेहनत और इनके जो है कामयाबी और इनका जो पहले दिन का जो विचार था उसके लिए मैं इनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। तो ये इसमें तो आपने ये लगाया है उड़द, खाली उड़द ही लगाया है और कुछ लगाया है? बोड़ो भी दिख रहा है कुछ और तमाम मूली भी लगाया है। ये तो लगा था वो जो प्याज लगे थे, लहसुन लगा था वो लगा के उसको भी इसके पहले जो है वो चना लगा था, मटर लगे थे, सब लगा था। यानी मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हैं, ये सब हो रहा है इसके। अच्छा हुआ। अच्छा ये ड्रैगन फ्रूट ये तो विदेशी है? ये तो विदेशी है। इसके बारे में विदेश में कहाँ का है कुछ जानकारी रखते हैं आप? ये वियतनाम अमेरिका यही का है ज़्यादा। अच्छा, साउथ अफ्रीका। हाँ तो ठंडे देशों में है। तो इनका किन रोगियों के लिए उपयोग ज़्यादा होता है? वे फ्रूट का मतलब है तो खाली टेस्ट नहीं हो। हाँ, कुछ लाभ है भारतीय फ्रूट जो होते हैं उनका लाभ होता है अपना ये इसको खाने का? इस डायबिटीज, ब्लड शुगर, ब्लड कैंसर और शुगर इसमें सब लाभदायक है। बहुत अच्छी बात है। ऐसे किसी इंटीग्रेटेड फार्मर से फिर आपकी भेंट कराएंगे, जानेंगे वो किस विजन के तहत अपने काम को लेके आए हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे नए युवा जो खेती किसानी में अपना भविष्य तलाश रहे हैं, शहरों को छोड़ गांवों में आ रहे हैं, उनके लिए? हम तो कहते हैं कि वो वहाँ शहर में ना जाएं, जिसके पास अगर ज़मीन है यहीं पर आपके आके अपना जो है कुछ काम करें, खेत में ऐसे तलाश के कोई खेती करें उससे बेहतर है। बढ़िया। एक आखिरी सवाल जो बच रहा था, आपने लगा कितना पैसा दिया इसको एक एकड़ तकरीबन तैयार करने में? सर जी अभी तो हमारा काम छोड़ के, हमारी मेहनत छोड़ के 4 लाख रुपए लगभग लग चुके हैं। अभी 1 लाख और लगेंगे, 5 लाख रुपए लगेंगे। यानी एक एकड़ में 5 लाख रुपए आप लगा लेते हैं? ऐसे मैं इसको ऐसे समझ लेते हैं एक पोल की लागत 1000 रुपये कम से कम सरिया होगा ना, मतलब इस पे जैसे पूरा खर्चा आया है पौध लगने में पूरा सब सिस्टम, ये 1000 पकड़ लीजिए, जितने पौध पे आप खेती कर रहे हैं उतने रुपए समझ लीजिए। अच्छा, इसमें पानी रोज देना ही होता है, जाहिर सी बात है, थाला इसलिए बनाया है आपने? थाला की जरूरत नहीं है इसमें, जब ड्रिप लग जाएगा तो इसको एकदम बराबर कर दिया जाएगा। अच्छा, ड्रिप ऊपर से ऐसे पानी लेके जाएंगे जड़ से? अच्छा, जड़ से ड्रिप, जड़ पे टपक। हाँ, टपक सिंचाई वाला और चारों तरफ ये पौधों के किनारे किनारे पानी गिराएगा। बहुत अच्छी बात है, आपने बड़ी अच्छी जानकारी साझा किया। साथियों, अगर आपके और कोई सवाल बनते हैं मेरे इस स्टोरी के बाद तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उस स्टोरी का जवाब शुक्ला जी से दिलाएंगे अगली कड़ी में। शुक्ला जी जहाँ से पौधा लेके आए हैं बाराबंकी ज़िले से, उस किसान की स्टोरी करके दिखाएंगे आपको वो पौधे अब जो युवा अवस्था में हैं, अभी तो इनके यहाँ बच्चे हैं, वो किस स्थिति में हुए उसकी भी स्टोरी आपको मिलेगी। बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।